नमस्ते, आज मैं बनाऊंगी आलू और टमाटर की स्पाइसी सब्ज़ी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, आइए देखते हैं। मैंने इसमें बॉयल आलू लिया है, एक कटोरी टमाटो, टमाटर, एक चम्मच जीरा, प्याज, कोरिएंडर और ये लाल मिर्च आदि एंड मिर्ची बारीक कटी हुई। इसमें मैं जो मसाले को यूज़ करूंगी, मैं एक चम्मच इसमें मैं लूंगी लहसुन, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और मैं लूंगी इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर का यूज़ करूंगी, थोड़ा सा और मैं लूंगी जीरा पाउडर। इसमें मैं डालूंगी, मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें मैं डालूंगी जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च डालूंगी, खड़ी लाल मिर्च आदि, कटी हुई हरी मिर्च, मैं इसे भून लूंगी। इसके साथ साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी अनियन, इन मसालों को मैं अच्छे से भून लूंगी। मैं इसमें डालूंगी आलू, बॉयल आलू, इन्हें मैं चला लूँगी हल्के से और इसके साथ साथ ही इसी के साथ साथ हमें उसमें डाल देनी है ये मसाले। नमक, सब्जी को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आइए देखते हैं। इसमें कलर अच्छा आ गया है और लास्ट में जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाले, गरम मसाले मैं सारे गरम मसाले खड़े गरम मसाले को मैं घर में ही बनाती हूँ, उसे मिक्सी में पीस लेती हूँ सारे गरम मसाले को ऐड करके, और इस तरह से हम लोग इसमें चला कर, और इसमें जो धनिया का पत्ता हमने रखा था कोरिएंडर, उसे हम लोग इसमें डाल देंगे। और इसमें अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, मैं हल्का इसमें पानी डालूंगी और उसे 2 से 3 मिनट तक फिर से उसे हम छोड़ देंगे पकने के, मसाले को गर्म मसाले को पकने के लिए। आइए देखते हैं, सब्ज़ी हमारी पक चुकी है और ये इस तरह से अब हम लोग इसे, अब मैं इसे सर्व करूंगी, बहुत अच्छे से पक चुकी है। चलिए हम इसे सर्व करते हैं, अब हम लोग सब्जी को सर्व करते हैं इस तरह से। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मस्त लगता है आलू और टमाटर की स्पाइसी सब्जी। बहुत बहुत धन्यवाद।